Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय लिबरल? इसके पहले हमने डिस्कस किया इंपैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस टू द बिजनेस एंड इंडस्ट्री में. हमने एक टर्म देखा था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, दैट इज एलपीजी. उसका एल हम जानने वाले हैं आज के वीडियो में. व्हाट डू मीन बाय लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन का नीड क्या होता है, उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, वो देखने वाले हैं आज के स्लाइड में. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लिबरलाइजेशन सबसे पहले समझते हैं क्या होता है. लिबरलाइजेशन चीज़ों को लिबरल करना, चीज़ों को थोड़ा फ्रीडम देना, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मेलिटी को अबॉलिश करना, कम करना. समझ रहे हैं क्या? फॉर्मेलिटीज़ को कम करके उनका मेन ध्यान बिजनेस पे फोकस रहे वो देखना. उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं. यस, सो लेट्स सी व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर लिबरलाइजेशन. इट इज इंडियन गवर्नमेंट. हाँ, इंडिया के बारे में बात हो रहा है. लिबरलाइजेशन का इंडिया में क्या इम्पैक्ट हुआ है उसके बारे में बात हो रहा है. सबसे पहला पॉइंट है अबॉलिशिंग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट. बहुत सारे बिजनेस को बहुत सारे लाइसेंसेस लेने पड़ते थे. लाइसेंस के लिए फॉर्म भरो, उसके बाद अथॉरिटी के पास जाओ, उनके पास से सैंक्शन लो, नहीं मिला तो उसके रीज़न दो, अगर नहीं फिर भी पास किया तो वापस अप्लाई करो फॉर लाइसेंसिंग. ये सब बहुत झमेला था, ये सब रिक्वायरमेंट का, फॉर्मेलिटीज़ का. गवर्नमेंट ने वही हटा दिया, बोला कि देयर इज नो नीड फॉर सच लाइसेंसिंग, no need for such licensing requirement. Now we are abolishing the licensing requirement. हर चीजों के लिए license लेना जरूरी नहीं है. Next, removal of restrictions on goods and services. आप इतना ही goods में deal कर सकते हो, आप इतना ही service provide कर सकते हो. ये सब जो quantitative restrictions था वो सब हटाया गया. अभी वो लेवल पे नहीं है. हर चीजों में restriction है, कुछ कुछ चीजों में है अभी भी, but हर चीजों में restriction नहीं है. गवर्नमेंट इंटरफियरेंस जो बहुत बड़े लेवल पे था कि आप इतना ही गुड्स बेच सकते हो, इतना ही सर्विस दे सकते हो, उसको अभी बहुत हद तक रिड्यूस किया गया. गवर्नमेंट इंटरफियरेंस मिनिमम हो गया, लिबरल हो गया. नेक्स्ट पॉइंट, ओपनिंग ऑफ बेसिस टेलीकॉम सर्विसेज टू प्राइवेट सेक्टर. पहले सिर्फ MTNL, BSNL यही चीज़ें थी. फ़ोन करना होता, आप याद करो, अगर आप तो छोटे, बहुत छोटे रहोगे, आपके पेरेंट्स को पूछ लेना, इन 1990s आपके घर पे एक फ़ोन हुआ करता था. और कभी कभी तो क्या होता था, एक फ्लोर आपका अगर बिल्डिंग है, एक फ्लोर है तो एक घर में फ़ोन हुआ करता था, और इसको कैर ऑफ नंबर बोला करते थे. अगर आपके पास घर पर टेलीफोन नहीं है तो आपके आजू बाजू वाले आपका नंबर देते थे और फिर बोलते थे कभी कॉल आएगा तो बुलाना प्लीज़. समझ रहा है? तो ये सिस्टम हुआ करता था क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर गवर्नमेंट ही था और उसका एक ही था BSNL और MTNL. और ऑब्वियसली ये अगर देखो मोनोपोली होगा, थोड़ा प्राइस चार्ज हाई होता था. वंस अपॉन अ टाइम एक मिनट के कॉल का 6 रुपया 7 रुपया 8 रुपया हुआ करता था चार्जेस. यस, ये आपको सोचना भी मुश्किल है क्योंकि तब वो टाइम पे आपका बर्थ भी नहीं हुआ होगा, आई थिंक सो. क्योंकि आपका जैसे बर्थ हुआ होगा, सेलफोन्स आ गए होंगे, अलग अलग सेल्युलर नेटवर्क प्रोवाइडर आ गए होंगे, वोडाफोन, एयरटेल, समझ रहे, ये सब आ गए होंगे, बट तभी वो सब नहीं हुआ करते थे. तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करता था क्योंकि गवर्नमेंट का मोनोपोली था. समझ रहे हैं? वो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, लिबरलाइज, प्राइवेटाइज कर डाला. अभी प्राइवेट सेक्टर बिजनेसमैन भी आ सकता है. फॉर एग्जांपल वोडाफोन, जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक ही नहीं है, एयरटेल भारती, जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक ही नहीं है, रिलायंस जियो, जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक ही नहीं है. नाउ अभी देखो, नाउ देर आर लॉट्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर. अभी क्या होता है, इतने सारे हैं. समझ रहे? अभी एक मिनट का 1 रुपया बोला तो भी लोग नहीं लेंगे क्योंकि जियो आ गया है जो पैसे ही नहीं लेता. समझ रहे क्या? तो ये सब कॉम्पिटिशन बढ़ने की वजह से क्या हो गया, प्राइस चीप एंड चीप एंड चीप और कम कम होते गए. समझ रहे? सो ये क्या हो गया, इसे ओपनिंग ऑफ बेसिस टेलीकॉम सर्विस टू द प्राइवेट सेक्टर, इसकी वजह से बहुत ज्यादा फायदा हो गया. नेक्स्ट, टैक्स हॉलीडेज फॉर 5 years फॉर इंडस्ट्रीज बींग सेटअप इन द बैकवर्ड एरियाज. इनकम टैक्स एक्ट, उसमें अलग अलग सेक्शंस हैं. समझ रहा है? उसमें सेक्शन 80IA to 80IE ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इसमें ना बहुत सारे बिजनेसेस बोले गए हैं जिसको टैक्स हॉलीडेज दिए गए. टैक्स हॉलीडेज मतलब क्या, टैक्स को छुट्टी? ऐसा नहीं होता. टैक्स को छुट्टी मतलब क्या, आपके बिजनेस को टैक्स नहीं भरना है, इसका दूसरा नाम है टैक्स हेवेंस.
टैक्स हेवन जोन बोलते हैं। अपने इंडिया में ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इतना ज्यादा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, यहाँ पे क्या है बिजनेस इतना ज्यादा डेवलप नहीं है। तो उसके वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाला है, अगर आप वहां पे बिजनेस करने जाओगे फॉर 5 years, फॉर 10 years, यू नीड नॉट पे टैक्सेस, आपको टैक्सेस भरने की जरूरत नहीं है। यस ये आपको बोला गया है लिबरलाइजेशन में, ये आपको गवर्नमेंट ने क्या किया है, सहूलियत करके दी है। नेक्स्ट पॉइंट, सिंपल इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर। देखो सिंपल मीन्स इतना भी सिंपल नहीं कि गुड्स लोड कर दिया और जाने दो, पहले बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस थे, अभी वो रेस्ट्रिक्शंस को बहुत हद तक कम किया गया है। आईसी कोड लेने का और एक सिंपल प्रोसीजर है 7-8 स्टेप्स का, वो अगर आपने पॉलिसी का वो सब स्टेप्स आपने अगर कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पहले एक तो बहुत ज्यादा हुआ करता था रेस्ट्रिक्शंस, पोर्ट अथॉरिटी के साथ बहुत ज्यादा बात करना पड़ता था, कस्टम डिपार्टमेंट के साथ बहुत ज्यादा बात करना था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट था, वो सब अभी हट गया, वो सब अभी ज्यादा लेवल पे नहीं है, वो सब अभी बहुत ज्यादा लिबरल हो गया। यस सिंपल कर दिया गया, फॉर्मेलिटीज हटा दिया गया, अगेन लिबरलाइज किया गया, चीजों को ज्यादा पेपर वर्क में ज्यादा से ज्यादा ना उलझ के प्रोडक्शन पे ज्यादा ध्यान दे पाया मैन्युफैक्चरर, वैसा किया गया, उसके वजह से ज्यादा बिजनेसमैन आने लगे बिजनेस में, समझ रहा है। तो सिंपल इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेनर को ऑफर दिया गया कि आप आ सकते हो और इंडियन बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो, और उसके क्या बोलते हैं, इन रिटर्न यू कैन टेक मोर एंड मोर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम दे पाएंगे, क्योंकि देखो बीइंग एन इमर्जिंग डेवलपिंग कंट्री, अपना इंडिया इज वन ऑफ द इमर्जिंग डेवलपिंग कंट्री, तो यहाँ पे बिजनेस करने का फायदा यही होगा कि यहाँ पे आपको ग्रोथ एक बहुत अच्छे लेवल पे मिलेगा, समझ रहे हैं। आज अगर समझो आप 50 लाख से चालू कर रहे हो बिजनेस, तो हो सकता है 10-10-10-1 साल में 50 करोड़ पे भी पहुंच सकता है आपका बिजनेस, बेस्ड ऑन योर स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज, समझ रहे हैं क्या। तो 10-100,000 times आप कर सकते हो 10 साल में बिजनेस, बेस्ड ऑन योर कैपेबिलिटीज। यस सो ये अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा अलाउड नहीं था, पहले ऐसा सोचते थे गवर्नमेंट कि बॉस अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने दिया तो बाहर वाले लोग, फॉरेनर लोग इंडियन मार्केट को क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे, जिसका पैसा है वही बिजनेस रेगुलेट करने वाला है, वही कंट्रोल करने वाला है। तो पहले ऐसा लगता था गवर्नमेंट को, बट गवर्नमेंट ने बोला कि अरे बिजनेसमैन तो इंडियन है ना, फर्म तो इंडियन है ना, उसको इन्वेस्ट करने दे और इन्वेस्टमेंट के सामने अपन रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देंगे, बट बिजनेस अपना है, इंडिया का ही तो नाम बढ़ रहा है, समझ रहे हैं कि इंडियन फॉर्म है तो इंडिया का ही तो नाम बढ़ रहा है। डिसीजन मेकिंग देखो उनका पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, इसके लिए उन लोग के साथ बात करना पड़ेगा, बट डिसीजन मेकिंग तो दोनों मिलके ही लेंगे, समझ रहा है। तो वो भी एक फायदा हो गया ड्यू टू लिबरलाइजेशन, फ्रीडम इन फिक्सिंग प्राइसेस। प्राइसेस जो जो पहले फिक्स करने होते थे, पहले गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता था, नाउ दैट हैज बीन रिमूव्ड। अभी आपको हर एक चीज में गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं लेना है, फॉर एग्जांपल समझो कुरकुरे का प्राइस रखना है 10 रुपी, तो 10 रुपए पूछने के लिए आपको गवर्नमेंट के पास नहीं जाना है, वो आप रख सकते हो, दैट इज फ्रीडम। MRP आप, हाँ MRP लिख दिया फिर उससे ज्यादा नहीं बेच सकते, दैट इज लीगली अनलॉफुल, समझ रहे क्या। बट हाँ अगर आपने MRP छापा, MRP के लिए देर इज नो रेस्ट्रिक्शंस, MRP आप कुछ भी छापो आप उसके हिसाब से बेचो, समझ रहे। ऑब्वियसली बींग क्या बोलते हैं नॉर्मल रैशनल बिजनेसमैन, आप कॉम्पिटिशन भी को भी तो ध्यान में रखना है, अगर आप 10 की चीज 50 में बेचोगे, बाकी सब कॉम्पिटिटर है जो 10 का 10 में बेच रहे हैं, समझ रहे क्या, तो उनके पास ही पब्लिक जाएगा फिर। सो दीज आर दी मेजर्स टेकन बाय दी गवर्नमेंट फॉर लिबरलाइजेशन, लेट अस रिपीट वंस, अबॉलिशिंग द लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ओपनिंग ऑफ बेसिस टेलीकॉम सर्विसेज टू अ प्राइवेट सेक्टर, टैक्स हॉलीडेज फॉर 5 years फॉर इंडस्ट्रीज बींग सेटअप इन बैकवर्ड एरियाज, सिंपल इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स, अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड फ्रीडम इन फिक्सिंग प्राइसेस। सो दीज आर दी मेजर्स टेकन बाय दी इंडियन गवर्नमेंट टू लिबरलाइज दी फॉर्मेलिटीज एंड टू गिव इनिशिएटिव टू गिव मोटिवेशन टू द न्यू एंड न्यू बिजनेसमैन सो दैट बिजनेस इंक्रीजेस एंड दैट्स वाई कंट्री ऑल्सो गेट्स GDP इंक्रीज्ड। Yes, so these are the measures taken by the government. Thanks for watching this video, my dear students. Please subscribe Ekeeda. Thank you.